हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आ गए हैं। एक्सरसाइज 9.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो चलिए उसकी बात करते हैं। मैं पीछे से क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे लास्ट में दिए होते हैं, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी जो है अपने साथ लेकर चलें ताकि आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकें, और उसके बिना नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। एक टावर है, दो अलग अलग पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों को ये बात दे रखी है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों जगह पर बन रहा है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कहने का मतलब ये कि उनका जो सम है वो 90 डिग्री है। तो हमें टावर की हाइट जो है वो प्रूव करनी है कि वो 6 मीटर है, ये शो करना है हम लोगों को। अब देखिए ये जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिया है, ये डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, ये पूरा डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का दिया है दैट इज़ 9 मीटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 5 मीटर। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब ये एंगल मुझे पता नहीं है, सपोज़ मैं इसको थीटा लिख देता हूँ, ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए मैंने इसको लिख दिया 90 माइनस थीटा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक साइड आपको दी गई है और हमें h की वैल्यू 6 मीटर शो करनी है, तो एक साइड हमें दी गई है 4 मीटर और मुझे हाइट को रिलेट करना है। तो आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज ऑफ 10 थीटा। तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हम लोग बोलेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू, थीटा मालूम नहीं कि टेबल से देख के वैल्यू लिख दें, इसलिए 10 थीटा ही लेना पड़ेगा। 10 थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4, लेट्स से मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, या आप इसको बनाने की बजाय h को इक्वेट कर लीजिएगा बिकॉज h दोनों जगह पर आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे h इज इक्वल टू 4 10 थीटा। फर्दर अगर हम लोग देखें तो दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल में जो मेरा 10 90 माइनस थीटा है दैट इज व्हाट, दैट इज h अपॉन 9। तो यहां से अगर मैं हाइट की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे हाइट मिलता है 10 90 माइनस थीटा, 9 × 10 90 माइनस थीटा। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 10 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, तो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वेट हो जाती है। तो आप बोलेंगे 4 10 थीटा इज इक्वल टू 9 कॉट थीटा। फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 10 थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 9/4। और जैसा कि आपको मालूम है कि 10 थीटा और कॉट थीटा के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/10 थीटा, दिस इज इक्वल टू 9/4। 10 थीटा ऊपर चला जाएगा तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4, 10 थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब आप कहेंगे सर वैल्यू तो 3/2 की निकली है, लेकिन 10 थीटा की कोई भी वैल्यू जो है वो 3/2 नहीं होती, मैंने टेबल में क्रॉस चेक कर लिया है। आपको टेबल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दें तो 10 थीटा का वैल्यू प्रीवियसली हम लोगों ने क्या निकाला, h अपॉन 4।
यानी कि अगर मैं टेन थीटा का वैल्यू 3/2 यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो मैं अपने हाइट को ईजिली शो कर सकता हूँ। तो आप बोल सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन दिस इक्वेशन, या आप 10 थीटा की जगह उसको रिप्लेस कर दें तो आप बोल सकते हैं कि 10 थीटा जो 3/2 मेरा आ रहा है वो 3/2 मेरे h अपॉन 4 के इक्वल है। तो यहां से h का वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/4/2 इज इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा, यानी कि आपने शो कर दिया कि आपकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। आप इसको पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिगर मैं सीधा ड्रॉ कर देता हूँ, आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसको सॉल्व करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अलग देख रहे हैं, आपके टीचर अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं, मैं आपको बहुत ही ईजी वे में इसको बताऊँगा और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का फिगर आपको बनता हुआ दिख रहा है कि एक टावर है और उस टावर से एक मैन जो है वो टावर के टॉप से एक आदमी जो है वो एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हुए बना रहा है 30 डिग्री का। कार जो है वो टावर की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से और 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बॉटम में बन रहे एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है दैट इज 6 सेकेंड्स, दैट इज 6 सेकेंड्स। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ इतना ही दे रखा है 6 सेकेंड्स। इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है दैट इज सेइंग फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, व्हिच पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में जो कार को टाइम लगा है वो टाइम कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज टी टाइम लगा है, टी सेकेंड्स लगे हैं, टी हमें निकालना है, हमने मान लिया टी सेकेंड्स लगे हैं और हाइट टावर की हमें पता नहीं है, उसको हम लोग एच ले लेते हैं और टी सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ तक जो है वो कार पहुँच गई है। इसके अलावा हम लोगों को स्पीड भी नहीं दे रखी है तो हम लोग स्पीड भी मान लेते हैं कि सपोज हमारी स्पीड जो है वो एक्स मीटर पर सेकेंड है। कार की जो स्पीड है वो एक्स मीटर पर सेकेंड है। तो ये डिस्टेंस जब आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितना होगा, आपको मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस है मेरा 6x मीटर और ये जो डिस्टेंस मेरा यहां पर निकल कर आएगा दैट विल बी x इंटू टी मीटर। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। अगर आप रिलेट करना चाहें, फिर से बात वहीं की वहीं है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है, तो आप लोग अपने किसी भी ट्रायंगल को पहले पिक कर सकते हैं। सपोज हम ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल जो है पहले पिक कर रहे हैं, एच अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का वैल्यू आप टेबल में से देख के लिख सकते हैं √3। तो यहां से आपकी हाइट की वैल्यू आती है √3 इंटू, या आप इसको लिख सकते हैं √3 xt। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फर्दर अगर आप देखें तो इस 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में h अपॉन xt प्लस 6x। अब आप कहेंगे सर आप इसको क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन ये है कि वहां पर जो मैंने हाइट ली है टावर की वो मीटर में है, तो ये डिस्टेंस ही जो है कंसीडर किया जाएगा लेंथ की फॉर्म में। तो h अपॉन xt प्लस 6x मीटर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 10 30 डिग्री व्हिच इज फर्दर इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो यहां से भी आप h की वैल्यू जो है देख सकते हैं कितनी,
एक्स टी प्लस सिक्स एक्स अपॉन रूट थ्री। आप यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हैं, आप x को लिख सकते हैं x इंटू टी प्लस सिक्स अपॉन रूट थ्री। ये आपकी सपोज सेकेंड इक्वेशन हो गई। आप दोनों को इक्वेट करेंगे बिकॉज हाई टी टर्म्स में हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अगर आप दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपको मिलेगा रूट थ्री एक्स टी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी प्लस सिक्स अपॉन रूट थ्री। आप देख सकते हैं x दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट थ्री इधर भेज दीजिए, थ्री टी इज इक्वल टू टी प्लस सिक्स, टू टी इज इक्वल टू सिक्स एंड द वैल्यू ऑफ टी इज थ्री सेकेंड्स। बहुत ही ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। और भी सॉल्व करने के कई अलग अलग तरीके हैं, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।